हेलो गाइस, आप सबको हैप्पी प्राइड मंथ। इंडिया में बीएल की फैन बेस देख के मैं तो पूरा शॉक्ड हो गई। किनपुर्स एपिसोड 8 ट्विटर पे #7 पे ट्रेंड कर रहा था। ये सब देख के मैं सोच रही थी कि अगर इंडिया में भी बीएल सीरीज मूवी बनना स्टार्ट हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। इस बारे में तुम लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 8 सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो आप जून में देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। नंबर 8 पर आता है ट्रेस। एक ऐसी बीएल सीरीज़ है जो आपको मेडिकल और फैंटेसी दोनों का मज़ा एक साथ देगा। एक ऑनगोइंग सीरीज़ है जो अभी चल रहा है। इसका 13 एपिसोड है, तो 7 ऑलरेडी आ चुका है। जाओ आप जाके देखो, ये बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा देने वाला है। नंबर 7 पे आता है गेम बॉय सीज़न 2। 2 साल पहले इस सीरीज़ का पहला सीज़न आया था जो बहुत ही अच्छा था, और अगले साल इसका मूवी भी आई थी, और इस मूवी को ही बड़ा कर रहा है सीज़न 2 में। तो जाके देखो, इसका पहला एपिसोड आ चुका है और बहुत ही अच्छा है। नंबर 6 पे आता है माय सीक्रेट लव। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह सा है कि एक जूनियर है जो सीक्रेटली अपने सीनियर से प्यार करता है, पर अपना जो फीलिंग्स है वो बता नहीं पाता है। सीरीज मुझे कुछ सीक्रेट क्रश ऑन यू की तरह लग रही है, पर चलो देखते हैं मेकर्स हमें क्या न्यू दिखाता है। आप ये सीरीज़ हर शनिवार को यूट्यूब में देख सकते हो। नंबर 5 पे आता है स्काई इन योर हार्ट। स्टार इन माय माइंड ख़त्म हो गया है और देखे गया है हमें एक स्वीट लव स्टोरी जो डॉक्टर फा और वॉलंटियर टीचर के बीच में दिखाया जाएगा। ये कुछ ए टेल ऑफ 1000 स्टार्स की तरह लग रहा है। अब जब रिलीज होगा तभी पता चलेगा, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है। इस सीरीज़ का कोई चलो हमें और यूनिवर्सिटी ड्रामा नहीं देखने को मिलेगा। आप ये सीरीज़ एवरी फ्राइडे यूट्यूब में देख सकते हो। नंबर 4 पे आता है टू माई स्टार सीज़न 2। इसका फर्स्ट सीज़न बहुत ही अच्छा था। मैं होप करती हूँ कि सेकेंड सीज़न में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिले। कोरियन सीरीज़ अपनी स्टोरी को बहुत ही स्वीट और सिंपल रखता है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पूरा इन्जॉय करते हो। नंबर 3 पे आता है चेकआउट। ये सीरीज़ जून 11 को एयर होने वाला है। चेकआउट की कहानी कुछ इस तरह सा है कि दो मेन लीड कैरेक्टर दोनों ट्रैवल करते हैं, और फिर वो दोनों कैसे मिलते हैं, क्या होता है, सब कुछ आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को लेकर। चलो देखते हैं कि हमें मेकर्स क्या दिखाता है। नंबर 2 पे आता है सिनपाई दिस कैन बी लव। एक जापनीज सीरीज़ है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सीरीज़ के लिए। बहुत ही जल्दी ये एयर होने वाला है जून 16 को। दो मेन लीड कैरेक्टर की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ देखने में मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। नंबर 1 पे आते हैं अनफॉरगेटेन नाइट। इस सीरीज़ की तो मुझे कब से इंतज़ार थी। फाइनली इस महीने जून 22 को ये एयर होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। इसकी कहानी कुछ इस तरह का है कि जो 25 ईयर ओल्ड एक ऑफिस वर्कर है जो अपने ही सीनियर से वन साइडेड लव करता है, और हमारा दूसरा मेन लीड कमल 30 ईयर ओल्ड माफिया है जो हर रात अपना पार्टनर चेंज करता है, पर कोई भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। एक रात कमल एक बार में जाता है और वहाँ किम से उसकी मुलाकात होती है, और उसके बाद आप सीरीज में देखो, सीरीज में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो सब स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ। इस सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है।